बात 1950 की है। ईरान के शहर तेहरान में तमिलनाडु का एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। फिल्म और संगीत से उस परिवार का दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं था, यहां तक कि उस परिवार के लोग फिल्में भी नहीं देखते थे। उसी परिवार में एक 8 साल की लड़की भी थी। लड़की को संगीत से बहुत प्यार था, दीवानी थी वो मोहम्मद रफी और नूरजहां के गाए एक गीत की, फिल्म जुगनू से। गीत के बोल, यहां बदला वफा का, बेवफाई के सिवा क्या है। जैसे ही वो लड़की रेडियो पर सुनती, उसे न जाने क्या हो जाता। वो जहां भी होती भागती चली जाती रेडियो के करीब गाने को सुनने के लिए। एक दिन दोपहर का वक्त था, कड़क धूप थी, बच्ची खाना खा रही थी, तभी उसके कानों में उस गाने के बोल सुनाई दिए। बच्ची ने खाना खाना रोक दिया, हाथ भी साफ नहीं किए, पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी, सरपट भागी छत पर ताकि उसे गाना अच्छे से सुनाई दे सके। गाना पड़ोस के किसी घर में रेडियो पर बज रहा था। बच्ची ने पूरा गाना सुना। जब उसे होश आया तो मालूम हुआ कि उसके हाथों में दाल और सब्जी लगी हुई है, चप्पल भी नहीं पहनी है, पांव के तलवे जल रहे हैं। घबरा कर छत से नीचे की तरफ भागी, लेकिन नीचे आते ही मां की फटकार सुननी पड़ी। मगर वो खुश थी कि उसे उसका फेवरेट गाना सुनने को मिल गया। आगे चलकर उस लड़की का संगीत प्रेम दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। वो स्वयं भी गाना गाने लगी और एक दिन बंबई आ गई फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनने, और एक गाना गाया अपने पहले गीत से ही चर्चा में आ गई। वो गीत था तितली उड़ी उड़ के चली, आज भी लोकप्रिय है, लोग बड़े प्यार से सुनते हैं। उस बच्ची का नाम था जो बड़ी होकर बनी फेमस सिंगर शारदा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।